हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट न्यूली लॉन्च्ड बाइक्स के बारे में, जो रिसेंटली ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हुई हैं। सो अगर आपको इन सभी बाइक्स के बारे में जानना है जो रिसेंटली ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हुई हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लास्ट नंबर से। सो 5th नंबर पे है हीरो एक्सट्रीम 160R स्टिल्थ एडिशन। हीरो ने एक्सट्रीम 160R के न्यू मॉडल को रिसेंटली ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च किया है, जिसका एक्शोरूम प्राइस है 1,16,600। एक्सट्रीम 160R के स्टील्थ एडिशन का एक्शोरूम प्राइस है 1,16,600 रुपए। हीरो ने इस बाइक के अंदर मैकेनिकली कोई भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि इस बाइक के अंदर वही सेम इंजन है और वही सेम कंपोनेंट्स हैं। लेकिन इस बाइक के अंदर कलर स्कीम और न्यू 3D लोगो देखने को मिलता है। हीरो एक्सट्रीम 160R स्टील्थ एडिशन के अंदर मैट ब्लैक कलर दिया गया है, और साथ ही इस बाइक के अंदर एक्सट्रीम स्टील्थ का 3D लोगो भी है, जो काफी प्रीमियम लगता है। और रियर सेक्शन पे 160R का स्टिकर दिया गया है। चेंजेस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर USB चार्जिंग पोर्ट भी है, और साथ ही इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर भी कुछ अपग्रेड किए गए हैं। एक्सट्रीम 160R के अंदर 5 लेवल ब्राइटनेस एडजस्टेबल वाला नेगेटिव डिस्प्ले, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर अभी गियर पोजिशन इंडिकेटर भी है, जो पहले इस बाइक के अंदर नहीं आता था। इस बाइक के अंदर कोई भी स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर नहीं है, लेकिन वो आप एड ऑन करवा सकते हो 5,000 रुपीज में। लेकिन उसके अंदर भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको अपाचे RTR 164V में देखने को मिल जाता है। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर वही सेम 163cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 15.2 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14 Nm का विद 5-speed ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर वही सेम 37mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, 17-inch के अलॉय व्हील्स हैं, 276mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220mm की रियर डिस्क ब्रेक है, जो कि पेडल टाइप की डिस्क ब्रेक है, और स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS है। एक्सट्रीम 160R स्टील्थ एडिशन के अंदर भी आपको ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट है, LED DRLs हैं, LED इंडिकेटर्स हैं, LED टेल लाइट है, और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। इस बाइक का वेट वही सेम है 139.5 kg। दोस्तों, एक्सट्रीम 160R के स्टैंडर्ड वेरियंट सिंगल डिस्क ब्रेक वेरियंट का एक्शोरूम प्राइस है 1,12,000, और ड्यूअल डिस्क ब्रेक वेरियंट का एक्शोरूम प्राइस है 1,14,600, और स्टील्थ एडिशन इस बाइक का टॉप वेरियंट है, जिसका एक्शोरूम प्राइस है 1,16,600। सो दोस्तों, ये थी 5th नंबर पे हीरो की एक्सट्रीम 160R, जिसको हीरो ने रिसेंटली ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च किया था। सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये बाइक काफी अच्छी है, और साथ ही बाइक एक वैल्यू फॉर मनी मशीन भी है। इसका माइलेज है 45-50 km/L। अब हम बात करते हैं 4th बाइक के बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट में 4th टू व्हीलर एक स्कूटर है, जिसका नाम है यमहा एरोक्स 155। यमहा एरोक्स 155 काफी टाइम से इंटरनेशनल टूलर मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन इस स्कूटर को यमहा ने 2021 में इंडियन टूलर मार्केट में रिसेंटली ही लॉन्च किया है, जिसका एक्शोरूम प्राइस है 1,29,000। और इस स्कूटर के अंदर आप मोटो GP एडिशन को भी परचेज कर सकते हो, जिसका एक्शोरूम प्राइस है 1,30,500। दोस्तों, 155cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये स्कूटर भी एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है, क्योंकि एप्रिलिया के 150-160cc स्कूटर से इस स्कूटर का प्राइस कम है, और साथ ही स्कूटर के अंदर यामाहा R15 वाला टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन है, जिसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, और साथ में माइलेज भी काफी अच्छी है। सो इस स्कूटर का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका इंजन, जो है 155cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 15 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14 Nm का। इस स्कूटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.5 लीटर्स की। इस स्कूटर के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। इस स्कूटर के अंदर वी बेल्ट टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो इस स्कूटर के अंदर 110/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 140/70 सेक्शन का रियर टायर है, 230mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, 130mm का रियर ड्रम ब्रेक है। स्कूटर के अंदर 14-inch के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो स्कूटर के अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, LED टेल लाइट है। एरोक्स 155 के अंदर सिंगल पीस सीट है। सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें तो स्कूटर के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है, और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो एरोक्स 155 का वेट है 126 kg, सीट हाइट है 790mm, ग्राउंड क्लियरेंस 745mm। बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो स्कूटर के अंदर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ऑयल चेंज, ट्रिप मीटर, वी बेल्ट रिप्लेसमेंट, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, स्मार्ट मोटर जनरेटर सिस्टम, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी है। सो दोस्तों, ये था 4th नंबर पे यमहा एरोक्स 155 स्कूटर, जिसको यमहा ने रिसेंटली इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं 3rd बाइक के बारे में। सो इस लिस्ट में 3rd नंबर पे है TVS Apache RTR 164V का न्यू एडिशन। दोस्तों, Apache RTR 164V का स्पेशल एडिशन भी रिसेंटली
रिसेंटली इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हुआ है। अपाचे आरटीआर 164V के न्यू वेरिएंट का स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 1,15,200, ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,17,300 और डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,20,000। और अपाचे आरटीआर 164V के अंदर एक स्पेशल एडिशन भी है जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,21,400। और टीवीएस ने इस बाइक को 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है जिसमें फर्स्ट है रेड, सेकंड है ब्लू और थर्ड है ब्लैक। स्पेशल एडिशन के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो आरटीआर 164V के स्पेशल एडिशन के अंदर आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि अर्बन मोड, स्पोर्ट मोड और रेन मोड। और साथ ही इस बाइक के न्यू वेरिएंट के अंदर गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है और रियर में रेडियल टायर भी दिया गया है। साथ ही इस बाइक के अंदर 204V के जैसे टीवीएस स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले सारे फीचर्स दिए गए हैं जो पहले 164V के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर नहीं दिए जाते थे। आरटीआर 164V के स्पेशल एडिशन के अंदर मैट ब्लैक कलर दिया गया है जिसके अंदर रेड कलर के अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। और साथ ही इस बाइक के स्पेशल एडिशन के अंदर एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और एडजस्टेबल क्लच लीवर भी है। 164V स्पेशल एडिशन के अंदर ड्यूअल टोन कलर की सीट देखने को मिल जाती है जो ब्लैक प्लस रेड कलर में दी गई है। बाकी दोस्तों मैकेनिकली इस बाइक के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इस बाइक के अंदर वही सेम 159.7 सीसी का ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.63 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.73 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। सो दोस्तों अगर आप आरटीआर 164V के न्यू मॉडल के अंदर स्पेशल वेरिएंट परचेज करने जाते हो तो फिर आपको उस बाइक के अंदर राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों ये थी थर्ड नंबर पे टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V का न्यू एडिशन। अब हम बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। दोस्तों इस लिस्ट में सेकंड बाइक है टीवीएस की ही 125cc न्यूली लॉन्च्ड बाइक टीवीएस रेडर 125। टीवीएस ने रेडर 125 को रिसेंटली ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च किया है जिसके अंदर 125cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं। और करंटली ये बाइक 125cc सेगमेंट के अंदर इंडियन टूलर मार्केट में सबसे बेस्ट बाइक बन गई है क्योंकि इस बाइक के अंदर काफी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट जैसे फीचर्स भी हैं और इस बाइक के ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छा है। स्पेशली दोस्तों इस बाइक का फ्रंट लुक देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही इस बाइक के अंदर ड्यूअल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन भी है। टीवीएस ने रेडर 125 के ऊपर काफी मेहनत भी की है और ये बाइक दिखने में काफी ज्यादा अच्छी भी लगती है। साथ ही इस बाइक की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है और माइलेज भी काफी अच्छी है। सो दोस्तों प्राइस के बारे में अगर बात करें तो टीवीएस रेडर ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 73,400। इस बाइक के डिस्क वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 81,300 और दिल्ली में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,04,000। और दोस्तों टीवीएस इस बाइक की माइलेज क्लेम करती है 67 km/L। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 124.8cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 11.38 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11.2 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर्स की। इस बाइक के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर दिया गया है, 100/90 सेक्शन का रियर टायर दिया गया है। चेसिस के बारे में अगर बात करें तो ये बाइक सिंगल क्रेडल ट्यूबुलर फ्रेम पे बेस्ड है जिसके अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है, रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का वेट है 122 kg, ग्राउंड क्लीयरेंस है 180 mm। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी एलईडी हेडलाइट दी गई है, साथ में एलईडी DRLs भी हैं और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिया गया है। रेडर 125 के अंदर स्प्लिट टाइप की सीट्स देखने को मिल जाती हैं और साथ ही इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है। इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर इंटेलिजेंट गो वॉइस असिस्ट और साथ ही इस बाइक के अंदर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी है और हेलमेट रिमाइंडर भी है। सो दोस्तों ये थी सेकंड नंबर पे टीवीएस रेडर 125। ये बाइक भी रिसेंटली ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हुई है जो 125cc सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मशीन है और सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज काफी अच्छी है। अब हम बात करते हैं नंबर वन बाइक के बारे में। सो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर वन बाइक है यामाहा की न्यूली लॉन्च्ड बाइक R15V4 और R15M। दोस्तों यामाहा ने रिसेंटली ही R15 की 4th जनरेशन मॉडल को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च किया है जिसको सबसे पहले इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च किया गया है। लेकिन इससे पहले इस बाइक के सभी वेरिएंट्स इंटरनेशनल टूलर मार्केट में लॉन्च होते थे और उसके बाद इंडियन टूलर मार्केट में आते थे। लेकिन दोस्तों अब की बार यामाहा ने इस बाइक को सबसे पहले इंडिया में लॉन्च करके सबको खुश कर दिया है और इस बाइक के अंदर जितनी भी कमियां थी वो सारी यामाहा ने पूरी कर दी हैं क्योंकि इस बाइक का डिजाइन और स्टाइल देखने में काफी ज्यादा अच्छा है। स्पेशली इस बाइक का फ्रंट लुक देखने में काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये बाइक फ्रंट से बिल्कुल R7 की जैसी लगती है जिसके अंदर फ्रंट में सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है, डे टाइम रनिंग LED DRLs भी हैं। सो फ्रंट से ये बाइक देखने में बिल्कुल बेबी R7 जैसी लगती है। और साथ ही यामाहा ने इस बाइक के स्पेशल एडिशन R15M को भी लॉन्च किया है जिसके अंदर प्रीमियम 3D लोगो भी देखने को मिल जाता है। R15M के अंदर यामाहा ने सिल्वर प्लस ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन दी है। R15M के अंदर 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें फर्स्ट है सिल्वर कलर, सेकंड है MotoGP एडिशन
और R5V4 के अंदर आपको तीन कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है रेसिंग ब्लू, सेकंड है मैट ब्लैक और थर्ड है मेटेलिक रेड। प्राइस के बारे में अगर बात करें तो R5V4 का एक्सशोरूम प्राइस 1,68,000 से लेके 1,79,800 तक है और इस बाइक का ओनर प्राइस 2,00,000 रुपए से लेके 2,12,000 रुपए तक है। दोस्तों R5V4 के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स दिए गए हैं, जो कि 37mm की KYB गोल्डन फिनिश्ड अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है। रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। इस बाइक के अंदर वहीं से 155cc का लिक्विड कोल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की। लेकिन यामा क्लेम करती है कि इस बाइक में आपको टॉप स्पीड बेटर देखने को मिलेगी। R5V4 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर्स की और इस बाइक के अंदर 6 स्पीड ट्रांसमिशन है और साथ में वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स भी हैं। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 140/70 सेक्शन का रियर टायर है, जो कि सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर है और इस बाइक के अंदर रियर में रेडियल टायर दिया गया है। इस बाइक में 282mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। R5V4 वही सेम डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे बेस्ड है। डाइमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक की सीट हाइट है 815mm, वेट है 142kg और ग्राउंड क्लीयरेंस है 170mm और साथ ही R5V4 के अंदर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी है और साथ ही हमने इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी अपग्रेड किया है, क्योंकि अभी इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं, जो पहले इस बाइक के अंदर नहीं थे। सो दोस्तों ये थी नंबर 1 पे यामा की R5V4 और R5M। ये बाइक भी रिसेंटली ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हुई है। सो दोस्तों ये थी टॉप 5 बेस्ट न्यूली लॉन्च्ड बाइक्स जो रिसेंटली ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हुई हैं। दोस्तों आपको इन सभी बाइक्स में से कौन सी बाइक सबसे बेस्ट लगती है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आप कौन सी बाइक का वेट कर रहे हो ये भी बताओ। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।